हेलो, आई एम दिव्या फ्रॉम टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ. सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और जावा में मल्टी थ्रेडेड कैसे सपोर्ट करता है. सो मल्टी थ्रेड आपके सिलेबस में भी एक पूरा चैप्टर है जिसमें मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग को डिफाइन किया गया है और उसमें थ्रेडिंग के मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं. सो मल्टी थ्रेडिंग का मतलब आप सिंपली समझ सकते हैं मल्टीटास्किंग. मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है कि जब हम जैसे हम लोग अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि ये मल्टीटास्किंग है. उसका मतलब क्या है कि हम एक साथ पैरेलली बहुत सारे काम को एक साथ कर सकते हैं. जैसे कौन सा काम कर सकते हैं, हम एक साथ म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, म्यूजिक प्ले करने के साथ ही साथ हम नोटपैड पे कुछ लिख सकते हैं, हम फोटोज देख सकते हैं. तो ये जो है ये मल्टीटास्किंग है, जबकि प्रोसेसर जो है वो एक ही है और वही सारे टास्क को क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है. तो सेम वे में जावा प्रोग्राम्स में भी मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है. तो ये क्या है, इसका डिफिनीशन हमने लिखा है कि मल्टी थ्रेडिंग एक क्या है, कॉन्सेप्ट है प्रोग्राम्स का, जहां पे प्रोग्राम्स मल्टी थ्रेडिंग में इसको प्रोसेस कहा जाता है, इज डिवाइडेड इनटू टू और मोर सब प्रोग्राम्स. मींस यहाँ पे आप जो कॉन्सेप्ट है मल्टी थ्रेडिंग का, यहाँ पे मोर देन टू या फिर टू भी हो सकते हैं, सब प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं. सब प्रोग्राम्स किसके, मल्टी थ्रेडिंग के सब प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं और वो सारे जो प्रोग्राम्स होंगे वो एक साथ पैरेलली रन कर सकते हैं. ये कॉन्सेप्ट है मल्टी थ्रेडिंग का. तो यहाँ पे हमने बताया कि वन सब प्रोग्राम कैन डिस्प्ले एन एनिमेशन ऑन द स्क्रीन व्हाइल अनदर में बिल्ड द नेक्स्ट एनिमेशन टू बी डिस्प्लेड, है ना. हो सकता है कि आपने एक एनिमेशन आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो और उसी टाइम पे आप दूसरा एनिमेशन बना भी रहे हो जो कि स्क्रीन पे दिखेगा. और ये सेम वैसा है जैसा कि हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग पीपल्स को अलग अलग टास्क डिफाइन कर सकते हैं और वो सारे लोग एक साथ काम करें, ठीक है. नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट थ्रेड्स रनिंग इन पैरेलल डज नॉट रियली मीन दैट दे एक्चुअली रन एट द सेम टाइम, ठीक है. अब ये कॉन्सेप्ट है, ये हमें लगता है कि जो थ्रेड्स हैं वो बहुत सारे थ्रेड्स एक साथ रन कर रहे हैं, बट ऐसा है नहीं. एक ही प्रोसेसर हमारे पास है और वही प्रोसेसर सारे थ्रेड्स के बीच में शेयर किया जाता है और एक एक करके कभी वही प्रोसेसर किसी दूसरे थ्रेड को असाइन होता है, फिर वो वाला थ्रेड कुछ समय के लिए आइडल हो जाता है और वही जो प्रोसेसर होता है वो दूसरे थ्रेड को असाइन हो जाता है और वो थ्रेड जो होता है वो रन करना स्टार्ट कर देता है. लेकिन ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि हमें समझ नहीं आता और हमें लगता है कि सारे प्रोग्राम्स एक साथ रन कर रहे हैं, ठीक है. तो ये जावा इंटरप्रेटर का काम है जो कि क्या करता है, प्रोसेसर को एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड पे स्विच कराता है और हमें ये फील कराता है कि सारे थ्रेड्स एक साथ पैरेलली रन कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट जो एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें कोई थ्रेड बनाना है, कोई थ्रेड में प्रोग्राम बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे. सो नेक्स्ट है डिक्लेयरिंग द क्लास. थ्रेड की क्लास को कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसके लिए लिखते हैं क्लास और सिंपल क्लास का नाम, जो भी आप क्लास का नाम देना चाहें वो. और यहाँ पे ये जो होता है वो थ्रेड नाम के क्लास को इनहेरिट करता है. जो बनी बनाई क्लास है आपको बनाने की जरूरत नहीं है, तो लिखते हैं एक्सटेंस थ्रेड और इसके अंदर हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं जो हमें बनाना होता है. अब जैसा कि अब पिछले वीडियो में मैंने एप्लेट बताया हुआ था, तो उसमें हमने बताया था कि एप्लेट के प्रोग्राम्स को रन कराना होता है तो उसके लिए फंक्शन है पेंट. वैसे ही जो थ्रेड्स के प्रोग्राम को रन कराने के लिए जो फंक्शन है उस फंक्शन का नाम है रन. तो यहाँ पे आपको ये भी मिलेगा कि रन फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है दिखाइए. तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रन मेथड कैसे किया जाता है, सो जब भी आपको क्लास जो आप बनाएंगे वो आप इस तरीके से बनाएंगे, लेकिन इस क्लास के अंदर जो प्रोग्राम बनेगा, जो कि कई प्रोग्राम्स बनेंगे और एक साथ रन होना चाहिए, वो हमेशा रन के अंदर ही बनेगा, रन नाम के फंक्शन के अंदर बनेगा. तो इसको हम लिखेंगे पब्लिक वाइड रन और ये फंक्शन होगा, इसके अंदर जो आप कोड लिखेंगे वो कोड रन होगा. कब, जब इस क्लास को कॉल किया जाएगा तब ऑटोमेटिक. ओके, अब
जैसा हमने बताया कि आपको हमेशा रन मेथड के अंदर ही कोड लिखना होता है, क्यों? क्योंकि जब भी हम इस क्लास को कॉल करते हैं तो उसके साथ थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्ट नाम का फंक्शन है। वो स्टार्ट नाम का फंक्शन क्या करता है, इस रन के अंदर लिखे हुए कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे हम कैसे थ्रेड को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? अगर हमें मान लीजिए हमने ये क्लास बना लिया, इसके अंदर हमने ऐसे फंक्शन बना के उसमें कोई कोड लिख लिया, अब हमें उस कोड को स्टार्ट करना है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट करने के लिए लिखते हैं, स्टार्ट करने के लिए लिखते हैं जो भी ये क्लास आपने बनाई है उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे हमने लिखा माई थ्रेड एम इक्वल्स टू न्यू माई थ्रेड, ये ऑब्जेक्ट बन गया। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ जैसे हमने बनाया है एम, तो लिखते हैं डॉट स्टार्ट नाम का फंक्शन। ये स्टार्ट नाम का फंक्शन क्या करेगा, इस रन मेथड के अंदर लिखे हुए कोड को एग्जीक्यूट करेगा और आपका इसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है? अब ऐसे ही आप इसके बहुत सारे लाइफ साइकिल हैं, जिसमें कि सबसे पहले जो होता है वो प्रोग्राम आपका बनता है, सबसे पहले न्यू बॉर्न एक थ्रेड होता है, उसके बाद वो रनिंग स्टेट में आता है। रनिंग स्टेट का मतलब है कि सबसे पहले वो रनेबल स्टेट में आता है, न्यू बॉर्न होने के बाद जब सबसे पहले थ्रेड बनता है उसके बाद रनेबल स्टेट में आता है। ये उसका लाइफ साइकिल का दूसरा स्टेप है, जहां से लगता है कि अब ये थ्रेड रन होने वाला है, और उसके बाद रनिंग स्टेट में आता है जहां से आपका थ्रेड रन होना स्टार्ट होता है। इसमें रनिंग स्टेट होते होते थ्रेड आपका रुक सकता है, रुकने के बाद फिर से रनेबल स्टेट में आ सकता है, या फिर खत्म हो जाएगा, मीन्स डेड हो सकता है। तो ये उसके कुछ लाइफ साइकिल्स होते हैं जो आपको अलग अलग जगहों पे पढ़ने को मिलेगा। ये लिखा हुआ है, थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसलिए इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि कैसे हम थ्रेड्स बनाते हैं, कैसे रन होता है, कैसे एक साथ उसके कोड्स रन होते हैं एक एक करके, कभी पहला थ्रेड फिर उसी में दूसरा थ्रेड फिर से पहला रन होने लगा, तो ये आपको आसानी से ये भी समझ में आएगा कि उसका स्टेट क्या है, कैसे कैसे थ्रेड होके गुजरता है और हमें आउटपुट मिल जाता है। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज हमने क्या किया, एक हमने क्लास बनाई, सपोज हमने क्लास बनाई ए नाम की, और ये इसके अंदर हम थ्रेड का प्रोग्राम करेंगे, तो हमने लिखा एक्सटेंस थ्रेड और थ्रेड का टी कैपिटल होगा, हमेशा हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, तो हमने लिखा ये। और उसके बाद इसमें हमें कोई कोड करना है, तो हमने लिखा पब्लिक वाइड, जो भी कोड करना है वो किस मेथड के अंदर किया जाएगा, रन मेथड के अंदर किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम कोई ऐसे सिंपल एक लाइन का कोड लिख देंगे तो हमें समझ नहीं आएगा कि कैसे एक प्रोग्राम एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड पे प्रोसेसर स्विच कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लूप का प्रोग्राम बना लेते हैं। जैसे हमने लिखा फॉर इंटीजर आई को वन से शुरू किया और कहां तक लेके गए, फाइव तक लेके गए, और आई प्लस प्लस, मतलब ये लूप कितनी बार चलेगा, पांच बार चलेगा, वन से लेके फाइव तक। और वन से लेके फाइव तक में क्या होगा, यहाँ पे हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसमें ये हम प्रिंट कराएंगे कि हमने लिखा फ्रॉम थ्रेड ए, ये जो थ्रेड है उसका नाम है ए, फ्रॉम थ्रेड ए जो आई की वैल्यू है वही हम आई की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। अब आई की वैल्यू क्या होगी, पहली बार लूप चलेगा तो वन होगी, फिर टू होगी, फिर थ्री होगी, फोर होगी, फाइव होगी, और उसके बाद ये थ्रेड डेड हो जाएगा। तो हमने ये लिखा। फिर हम अब थ्रेड का एग्जाम्पल देखना है तो हमें कम से कम दो बनाना ही पड़ेगा, तभी हमें देखने को मिलेगा कि कैसे एक के बाद दूसरा थ्रेड रन हो रहा है। तो हमने फिर से एक दूसरा क्लास बना लिया, उसको भी हमने थ्रेड क्लास बनाया, और इसके अंदर फिर से हमने कौन सा फंक्शन बनाया, रन मेथड बनाया, और इस रन के अंदर फिर से हमने एक लूप लगाया और इसमें लिखा फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू वन से लेके, इसको भी फाइव तक ही चलाया, और लिखा आई प्लस प्लस, इसके अंदर हमने प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन, और यहां लिखा फ्रॉम थ्रेड बी, ये थ्रेड बी का पार्ट है, फ्रॉम थ्रेड बी प्लस आई की वैल्यू हमने यहां पर भी प्रिंट करा लिया। और सपोज इसके पहले हमने लगा दिया स्लैश टी, ताकि
हर बार वो थोड़ा सा स्पेस छोड़ गया, ये हमने लिख दिया। अब आप स्लैश टी ना भी लगाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो ये क्या हुआ कि हमने दो थ्रेड्स बनाए, दोनों के अंदर रन मेथड बनाया और दोनों में लूप चलाया, कितनी बार, 5 बार लूप चलाया। अब आप देखिए, ऐसा नहीं है इन दोनों क्लासेस को हम अलग अलग कॉल करेंगे, अलग अलग इसके रन मेथड को कॉल करेंगे, लेकिन होगा क्या कि ये दोनों थ्रेड्स एक साथ रन होंगे। जैसे इसको चेक करने के लिए हम मेन फंक्शन के अंदर आए और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इस वाले थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना लिया, हमने लिखा थ्रेड का नाम है ए, तो हमने लिखा ए और इसका ऑब्जेक्ट हमने बना लिया ए नाम का, इक्वल्स टू न्यू ए, ये हुआ। और फिर हमने लिखा बी और इसका ऑब्जेक्ट बना लिया स्मॉल बी नाम का, न्यू और बी, ये हुआ। अब हमने स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, ए क्लास जो है उसका ऑब्जेक्ट डॉट कौन सा फंक्शन, स्टार्ट फंक्शन। इससे क्या होगा कि ए क्लास के अंदर का रन मेथड अपने आप जो होगा एग्जीक्यूट करने लगेगा। फिर हमने लिखा बी डॉट स्टार्ट। अब आप देखिए, पहले हमने ए क्लास के अंदर के थ्रेड को, अंदर के रन मेथड को कॉल किया है, फिर हमने बी थ्रेड के अंदर के रन मेथड को कॉल किया है, लेकिन होगा क्या, ये दोनों थ्रेड्स जो हैं, ये दोनों प्रोग्राम जो है, ये वाला प्रोग्राम और साथ ही साथ ये वाला प्रोग्राम क्या होगा, एक साथ रन करेगा। मतलब यही कॉन्सेप्ट आपका थ्रेड का है। अब हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आया, इसके आउटपुट से आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। अब देखो क्या इसका आउटपुट आया, पहले थ्रेड ए का एक स्टेप रन हुआ, फिर बी का इसी में एक स्टेप रन हुआ, फिर ए का दूसरा रन हुआ, फिर बी का दूसरा रन हुआ, फिर जो है सी बी का तीसरा रन हुआ, फिर ये डिपेंड करता है कि कभी भी आपका ये आउटपुट वेरी करेगा, कभी भी ऊपर नीचे आ सकता है, लेकिन स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपका ये वाला फंक्शन भी पूरा रन होगा और बी क्लास के अंदर वाला भी फंक्शन पूरा रन होगा। और इसमें अब जिस हिसाब से प्रोसेसर एक दूसरे को असाइन किया जाएगा उस हिसाब से आपका आउटपुट आएगा, लेकिन इसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि दोनों जो रन मेथड्स हैं वो एक साथ रन कर रहे हैं, एक के बाद दूसरा, या दो, एक पहला दो बार रन कर गया फिर दूसरे को असाइन हुआ प्रोसेसर, ऐसे प्रोसेसर वेरी करता है और थ्रेड्स के प्रोग्राम एक साथ रन होते हैं। सो थ्रेड्स का यूज जावा के प्रोग्राम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए किया जाता है ताकि आपको मल्टीपल टास्क, मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ एग्जीक्यूट कराना है, जहां पे प्रोसेसर सबको वन बाई वन हैंडल करेगा और एक करके दूसरे को स्विच होता रहेगा, जिससे आपका पूरा प्रोग्राम एक साथ रन होता हुआ हमें फील होगा। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको ना समझ आया हो तो आप एक बार फिर से उसका जो हमने थ्योरेटिकल पार्ट लिखा है उसको देखें और इस एग्जांपल को देखें, आपको बिल्कुल ये व्यू क्लियर हो पाएगा। सो ये जो भी नोट्स है मैं आपको अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगी, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आपको इसे नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बेहतर तरीके से समझ में आया हो, जो हमने अभी पढ़ाया है, जो हमने पहले पढ़ाया हुआ है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले पा पाएं। थैंक यू सो मच।